नमस्कार आप सब डीएनएक्स टीवी देखिए मनोज जय जोहार। आज हमारे साथ मनमोहन सिंह ठाकुर मौजूद है। डराय की जरूरत नहीं है, इसे आज मैं विलेन हो कर लिए खबर कि आज इन लग घेर के मौका भी ऐसे है। ओडार भी चला थे बड़े वाला बॉलीवुड डार, एडार भी चली का है पूरा यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की जो है खोद खोद के निकालना है आज। और मतलब विश्वास है खुदाई में पूरा मदद करूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं खोदे में एक्सपर्ट हूँ, है ना, और खोदे का अच्छा खासा 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप जितना मतलब बढ़िया सवाल करूँ मैं आपके जवाब पर पूरा संतोषजनक जवाब दूँगा। तो अभी तो मोर गिरफ्त में है मनमोहन जी, तो अभी तो आप मतलब डरे की जरूरत नहीं है। एक बात मैं अभी इंटरव्यू के बाद इन्हें छोड़ दूँ, हर बात तुम्हारे जानो तुम्हारे काम जाने। तो शुरू करते हैं मनमोहन जी, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पूछो, सब जन वही बात में पूछते हैं कहाँ रहे हो, कहाँ पढ़े हो, कहाँ खात हो, है ना, तो ये सब चीज़ ला तो मैं नहीं पूछूँ। हाँ हाँ, अपन सीधा एक कंस्ट्रक्टिव बात करो और बिल्कुल साफ साफ सीधा बात करो। तो सबसे पहली तो आप मुझे ये बताओ कि अभी फिल्म इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ के अंदर छालीवुड की थी उमा भी कहाँ चला था कोरोना काल में, तो का मतलब कुछ अभी गतिविधियां बंद है या फिर चालू है या कुछ बना थे जिसे? सबसे पहले डीएनएक्स टीवी देखो या सफा सरवारी मल्ला मुरजाई जोहार खान मोहन सिंह ठाकुर नाम है मोर असली फिल्मी दुनिया में मोर गिरधारी बनवारी मुरारी गब्बर बढ़कर नाम से बहुत सारा किरदार है, बहुत सारा है। पिक्चर भले फ्लॉप हो गए लेकिन मोर कैरेक्टर हिट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज बढ़िया मोर इंटरव्यू के लिए तुम बुलाए थे, कर लिए पूरा यूनिट के धन्यवाद कि 50 से 55 पिक्चर करीब बन के तैयार है जिनका रिलीज होना है। अच्छा, और लगभग उत्की पिक्चर है, मतलब अंडर पाइपलाइन है, मतलब ककरो आधा शूटिंग हो गए है, ककरो स्क्रिप्ट रेडी हो गए है, ककरो गाना रिकॉर्ड हो गए है, कोई शूटिंग में चल दे ब्रेक लग गए है, तो वो लगभग 110 के आसपास जो पिक्चर। मास्क लगा के तो शूटिंग कर नहीं सकन, अब मास्क लगा के रोमांस फाइट तो कर नहीं जा सके, जो चीज दिखाए के रहते वही छुपा लो काम के बस। तो वो आदमी इंतजार कर रहे कि कब हालात सामान्य हो। बिल्कुल, तो पूरा ऊर्जा के साथ पूरा ताकत के साथ फिर से आगे बढ़न और शूटिंग करन, और वही हाल छत्तीसगढ़ी सिनेमा के व्यापार के भी, सब टाकीज बंद है। टाकीज पर हम वेट कर रहे थे, बीच में से खबर आ रही थी कि 25% दर्शक के साथ खोलना है टाकीज, लेकिन उसका दर्शक मन के साथ खोले से अच्छा है कि टाकीज बंद कर लिए जाए। तो अभी टाकीज भी बंद है, व्यापार भी बंद है, निर्माण भी बंद है, सब शांति से वेट कर रहे थे। तो जैसे कि आप बताया कि छालीवुड के हालत भी बॉलीवुड जैसे, तो छालीवुड में भी कहीं नेपोटिज्म वगैरह चला थे का, कि कुछ गुटबाजी चला थे का है? अब आप बोले बता तो वहाँ के जैसे यहाँ की हालत है, मतलब वहाँ का जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, नेपोटिज्म तो नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, वो नहीं बोल सकता। अभी शुरू होते भाई भतीजावाद, अच्छा कुछ साल पहले भाई भतीजावाद शुरू होके खत्म हो गए, अब फिर से शुरू होते। कुछ एक निर्माता है जौन, अब आप यूर भाई भतीजावाद कह सकता हो कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा लगाऊ, मैं हीरो बनू, ये एक ट्रेंड चला थे। दूसरा ट्रेंड ये चला थे कि यार हीरो अनुज लेथन करण दा प्रकाश ला ने मन को रची ला, तो विलन में कौन लेना चाहिए, काम करते ना भैया गिरधारी पांडे ले लेथन। अच्छा, अरे तो कहाँ गिरधारी ले यार, एक काम करना वो दोस्त ने तेरा विलन बना देता, अरे वो गिरधारी पांडे से दिखते बल्कि ऊपर से ज्यादा अच्छा पार्टी बिल्डर। तो अगर आप इला नेपोटिज्म कह सकते हो तो ये नेपोटिज्म, लेकिन शुरुआत हो चुके, मतलब बीज पड़ चुके हैं नेपोटिज्म के। दूसरा सवाल ये है, अभी नेपोटिज्म बहुत मतलब जैसे बॉलीवुड में है इसका रूप नहीं है, लेकिन बोला छोटे रूप में है, छोटे रूप में बहुत स्टार्ट होते हैं, इंडस्ट्री भी छोटे है, इंडस्ट्री भी छोटे है, और बहुत डर डर के आदमी अपन भाई भतीजा लाते कावर की पिक्चर तो बना करते,
लेकिन जब मार्केट में आके अपन भाई ला, अपन रिश्तेदार ला, अपन परिवार यार दोस्त ला लेके आ, तो हीरो कौन है? जब डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीक्यूटर पूछते कि भाई हीरो कौन है, तो यार तो नवा कलाकार है, पब्लिक आए नहीं, तो जब का रिलीज के जब का बजट के बनाए के लगते ओकर से ज्यादा फिर तकलीफ रिलीज में होते। तो आदमी ला सीधा सीधा कह सकते हो कि आटा दाल के भाव मार्केट में आते तो पता चलते। दूसरा आप बोलो कि गुटबाजी, गुटबाजी तो भैया चरम में, मतलब थोड़को भारी पर भैया एक भी कलाकार न तो कोनो सक्सेसफुल हीरो पसंद है, न सक्सेसफुल निर्देशक ला पसंद है, न निर्माता पसंद है। एकदम क्लियर कट बात करो तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आप कतको प्रतिभाशाली रहो, कतको लोकप्रिय रहो, कतको सारा पिक्चर कट रहो, लेकिन अगर आपला आपके अंदर चारण भाट के मतलब क्वालिटी नहीं है, चरण वंदना की क्वालिटी नहीं है, शोषित होए की क्वालिटी नहीं है, कंप्रोमाइज करके काम करे के अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो टैलेंट ला तो किसम धर, तो रणभोर किसम धर भी मैं दूसरा नहीं। हाँ। सबसे पहली बात इंडस्ट्री में जो है वो अभी मतलब गुटबाजी ऐसे टाइप की चल रही थी कि जौन ओकर निर्माता के जो बनाते पिक्चर देकर या ओकर यूनिट के टर्म्स कंडीशन में फिट हो गए, भले वो नवा रहा है या कुछ भी रहा है, वो मतलब स्टार है, भले आपके आप बहुत बड़े स्टार रहो, हाँ। कुछ मत आता रहे आप, लेकिन अगर आपके जेब भरे है और आप फ्री में काम करते हैं निर्माता के लिए, तो वो तो ऐसे चरण झाड़ में चढ़ा के ऐसे स्टार बना देते रहते रहा। वो जो बॉलीवुड में भी है ना, क्या बोलते हैं वो जीप से अपन नाक लछुआ थी इस लड़की, हाँ है ना, वो टैलेंट है इसका, हाँ। वो ज्यादा प्रचलित हुई सभी वो, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि टैलेंट का है तो जीभ ले अपन नाक ले छुड़ल थे, हाँ। तो टाइप के यूं भी ये कही रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल। अरे भयंकर है यहाँ तो, भारी दादा मतलब जो भाई भतीजा वाल लेके आते थे मन, हाँ हाँ, मतलब भाई भतीजा वाल शुरू नहीं हुए, हाँ। लेकिन ये भी भाई भतीजा वाल की एक रूप है कि भाई आप मंत्री के, उद्योगपति के, व्यापारी के, या ककरो आप मतलब हरो हो, रिश्तेदार हो, या कोई आपके पास अच्छा खासा बिल्डर हो आप, या पैसा बेच के जमीन बेच के आप पैसा है आपकी जेब में, तो बड़े बड़े मन खड़े हैं जी, मतलब बात क्या, अरे हाँ यार हीरो पॉकेट में मिला थे, कैरेक्टर स्टेट फिल्म मिला थे, तो ले लो, मनमोहन तो पैसा मांगते, हीरो बन पैसा मांगते हैं सक्सेसफुल, मन कहाँ देखो इला लेना। तो सीधा सीधा शब्द में गुटबाजी भी है, नेपोटिज्म की शुरुआत होते, और प्रोफेशनलिज्म अभी दूर दूर तक है, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। तो जिसे आप बताते हो जो गुटबाजी है, ये वजह से जो कलाकार मन आवत है, जैसे मैं बीच में इस चर्चा करण हमन तो कुछ मन इसे कहा है तो पास 10 मिल जमीन है तो हीरो बन जावे, अभी बोला ना आपने, यही स्थिति है, यही स्थिति चल रही है, वो तो पूरा का पूरा मतलब इंडस्ट्री ला बर्बाद ही करी सीधा सीधा, हाँ। है ना भाई, कोई भी आते, मैं जैसे बीच में कुछ मन से संपर्क भी रहा है मोर, तो मैं आ जाऊँ तो बातचीत हो, कभी कभार देखे मिल जाए, तो देखो मैं बहुत कम पैसा में 5-10 हजार में यह वो बना लेते, क्या बोलते हैं वो एल्बम और कोनो भी अपन नाचते थे गाते बस, तो वैसा मतलब दिखाइए जब मिल ही नहीं तो यहाँ इंडस्ट्री फल फूल किसे सकी। नहीं ये हाल भैया सीडी और डीवीडी के मार्केट रिलीज आप याद हुई कुछ साल पहले, सीडी निकला गाना के, तो वो में भी कहा हुए गांव गांव से आदमी, हाँ कक्कलक थे एल्बम बनाए में, केठन गाना भी थे 8-10 गाना, और रिकॉर्डिंग और वीडियो शूटिंग में कक्कलक थे 1 लाख में, हाँ ठीक है साले का बेच साले क्या रेगा देखे ना 1 लाख रुपए की इकट्ठा कर, तो मूल हीरो ले बोले पहली गाना रिकॉर्ड करना यार, गाना रिकॉर्ड करे बा छोड़ दे कहाँ पैसे दे रहे यार, मैं ही बैठ था मैं ना कैमरा के सामने खड़ा हुए के तमीज ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज के सेंस ना, मैनरिज्म के सेंस ना, एटीट्यूड के सेंस ना, डायलॉग डिलीवरी के सेंस ना, डांस करे के सेंस ना, म्यूजिक के रिदम के सेंस, कोरियोग्राफी का होते, डांस डायरेक्शन का होते, तेला भी नहीं जाना है लेकिन नाचना है, हीरो बनना है एल्बम में, तभी वही हाल चल रहा है। 10 हजार तो आप बहुत बोल दो, 10 हजार से कम भी गाना बनाते, 10-20 मिल दस बीस मिलो, 10-10 हजार, 10-20 मिल के बहुत पैसे मिल जाते, रोड ऊपर हवा है
मकान है यदि तो 10 डिसमिल 1 लाख के ऊपर दे दी नहीं, हाँ तब तो बने जाएगा। ठीक बोला, तो बहुत चला रुपया काम हुआ। तो आने वाला समय में इंडस्ट्री में मतलब ठीक है, एक दुष्परिणाम दिखी। दुष्परिणाम तो कहा है, दिखते से ना आप देखो ना, दर्शक कहाँ मिलते हैं। नहीं अगर हाँ नहीं देखो भैया, अच्छा चीज के दर्शक हर जगह है। अब आप सिनेमा ला, आप एक मुंगोड़ी या चाट या समोसा के ठेला से जोड़ सकते हो कि हजारों जगह समोसा मुंगोड़ी और चाट मिलते, लेकिन अगर स्वादिष्ट चाट या मुंगोड़ी या समोसा वाला कोई ठेला है तो आदमी 10 किलोमीटर दूर चल के भी खाए जाते हो। सिनेमा के ऊपर भी ना वही बात लागू होते। नहीं बिल्कुल मैं माना, अगर पब्लिक के टेस्ट की चीज मिल गए ना तो हसन पब्लिक फसल उदाहरण है अभी। नहीं लेकिन वही मैं बोला था, जहाँ अपन टेस्टी चीज बनाना है हाँ, वहाँ ऐसा जो कलाकार है वही जिसे आप बताते हो हाँ, जो भाई भतीजावाद से आते या पैसा है तो थोड़ा सा आ जाए, तो वैसा में तो क्वालिटी मिलना नहीं है। नहीं क्वालिटी नहीं मिली, लेकिन ऊपर से अगर ये शर्मा भैया अपन पॉजिटिव वे में सोचे तो पॉजिटिव वे में ये सोच सकते हैं कि जब जब तक कचरा नहीं आए, बाढ़ नहीं आई, तब तक अच्छे चीज की वैल्यू कैसे हुई, और जब तक बाढ़ नहीं हुई, कचरा नहीं आई, तब तक वातावरण साफ कैसे हुई। साफ करने की जरूरत है, मतलब साफ करने की जरूरत है। तो ये जो आर्ट है ना, अच्छा दूसरा बात ये है भैया, राजनीति सिनेमा व्यापार एक ऐसी चीज है जी, आप कोई रोक नहीं सकते, पिक्चर बनाते एल्बम मत बनाते, जेकर मर्जी हो बनाए, चलना बोला है जनरल पब्लिक की अप्रिसिएशन मिलेगी। और सीधा से फंडा भी है, 20 साल में बहुत कटु सत्य में ये जान पाए हो कि आप मैदान में लड़त हो, सिनेमा हो चाहे व्यापार हो, आप मैदान में खड़े रहो, डटे रहो, मोर्चा में डटे रहो और हिलो मत और समझौता मत करो अपन काम के साथ। अगर आपका एक ऊंचाई मिल गई है तो जहां आप समझौता करने चालू करे हो तो फिर इंडस्ट्री आप लोग कचरा बनाए में आलू बनाए में टाइम नहीं लगाए। तो मुराद अच्छा भी लगते, बहुत जन टैलेंट आते, बहुत जन नाचत कूदते, एक्टिंग करते, फिल्म बनाते, तो अच्छा है। जब बहुत अगर चीज आई तब तो अच्छा चीज के वैल्यू पता चली ना आदमी का। अच्छा एक चीज हो, मैं जिसे देखा हूँ कि फिल्म तो हिट होते कई ठन हिट हो, लेकिन वो रेशियो नहीं है, फ्लॉप हुए की संख्या जो है ज्यादा है, जबका हिट होना चाहिए वाकई में। हाँ, हाँ। फिल्म की स्टोरी भी बड़ा अच्छा है, हाँ। मैं देखे भी हूँ, प्रीमियर वगैरह में भी गए रहे हैं। तो मोड़ा एक चीज नजर आते है कि जिस प्रोफाइल अपन जिसे यदि बैठे हैं हम ना, तो हम सोच के बैठे हैं कि भाई ये दिल अच्छा है लगी कि नहीं, ये अच्छा लगी कि नहीं, पीछे अच्छा लगी ना, तो ये प्रोफाइल ना मैं बहुत ज्यादा जिसे गौर करे हो हाँ। कुछ फिल्म जो हिट हुए है ओकर प्रोफाइल तो बने रही से हाँ। लेकिन ज्यादातर फिल्म में जो प्रोफाइल है जैसे घर दिखाना है पर्दा हाँ। तो घर वही छपरा वाला दिखाना है हाँ। वही कचरा गाड़ी दिखाना है हाँ। तो छत्तीसगढ़ के ठीक है गांव गवाई के तो है ये सब है, लेकिन एक तरफ ऊपर अगर तुलना यदि ओखर से करता हूँ बॉलीवुड से नहीं, मैं तो ओखर से तुलना करूँ क्षेत्रीय फिल्म में साउथ के फिल्म में, साउथ के फिल्म ओमा संस्कृति बिल्कुल वही दिखाते हैं लेकिन प्रोफाइल जो है वो बड़ा अच्छा दिखते है। तो मोड़ा ये कहीं ना कहीं पैसे लगी इसके, ये सब ये बात ना मैं कखरों से पूछूं कि एक अच्छा प्रोफाइल में साफ सुथरा दिखाए, भले अपन संस्कृति ना छोड़े, भले क्या छोड़ा ही मत है ना, वो संस्कृति ला भले वो संस्कृति ला दिखाए लेकिन प्रोफाइल अच्छा बनाए, अच्छा जगह में शूटिंग हो, अच्छा कमरा में शूटिंग हो, तो वो मोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पैसे लगा था इसकी फिल्म के नहीं चले के पीछे वो भी एक कारण तो नहीं है हाँ। आप लगा लगते हैं। देखो भैया सिनेमा मेन चीज जो है ना प्रेजेंटेशन का कारोबार है, पिक्चर के सिनेमा के जो असली हीरो होते हैं वो स्क्रिप्ट होते हैं, तो स्क्रिप्ट ला कैसे आप प्रेजेंट करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, सिनेमा के पूरा सफलता पर डिपेंड करते हैं। पहला हीरो स्क्रिप्ट, दूसरा हीरो म्यूजिक, तीसरा हीरो डायरेक्शन, चौथा हीरो ओवरऑल कलाकार। चार पिलर रहते हैं सिनेमा के, चार पिलर में अगर दो पिलर भी अगर आपके पावरफुल है तो दुनिया के कोई ताकत आपके पिक्चर में हिट वैसे नहीं रोक सकते। आप कई बार देखे हो कि कोनो कोनो पिक्चर की कहानी बहुत वर्स्ट रहे थर्ड क्लास, लेकिन एक गाना पिक्चर में हिट कर देती,
कोनो कोनो पिक्चर के पूरा कलाकार सब वाहियात रहते, लेकिन एक डायलॉग पिक्चर हिट करते थे। तो मेन जो चीज है कि आपके स्क्रिप्ट कैसे है, वो स्क्रिप्ट के प्रेजेंटेशन कैसे है, वो स्क्रिप्ट आप ट्विस्ट कैसे करत हो, ट्रीट कैसे करत हो, ओकर ऊपर रहते। और इमा मैक्सिमम मेकर मन फेवर कर पाए खाते छत्तीसगढ़ी सिनेमा बात करता हूँ खास तौर से। और साउथ इंडिया के सिनेमा से मुगल सिनेमा ला मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, काबर की साउथ इंडिया बहुत पुराना पिक्चर है, बहुत बड़े टेरिटरी है, बहुत बड़े मार्केट है, और उकर सामना तो बॉलीवुड भी नहीं कर सकता। उकर तुलना मैं पाके करत हूं, काबर की वो एक क्षेत्रीय भाषा है, छत्तीसगढ़ी भी एक क्षेत्रीय भाषा है, वो संस्कृति है अपन साउथ की, वो संस्कृति छत्तीसगढ़ की, लेकिन वहां के जो फिल्म है उकर जो प्रेजेंटेशन है उकर प्रोफाइल है देखते बहुत अच्छा अच्छा जैसे शूटिंग करते, लेकिन पहन क्या ही तो वही अपन परंपरागत जो है ना, लेकिन उखर जो प्रोफाइल है उखर पर कंपेयर करा तो छत्तीसगढ़ नहीं समझ गया। संस्कृति तो बढ़िया है सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही बताया ना भैया प्रेजेंटेशन के सवाल है यहाँ जो, वही मैं कहते रहूं तो बीच में आप बोल दो, उसमें वह ये है कि जितका भी मेकर आते जितका भी डायरेक्टर आते उमर ना कुछ स्पेशल जगह से ट्रेंड होके या 2-5 साल अनुभव लेके कोनो जैसे सतीश जैन जी है, मनोज वर्मा जी है, प्रेमचंद अग्रवाल जी है, और जो टॉप मोस्ट मेकर है या बम्बई के ठीक ठाक कोई मेकर तिकर सानिध्य में 2-3 साल काम कर लन, सीख जान का टेकिंग होते कैसे प्लेसिंग होते है ना, ड्रेस के सेंस का होते, कलर के सेंस का होते। भाई आप जैसे भी आप इंटरव्यू करते हो एक बैकग्राउंड तय करे ना कि ये बैकग्राउंड, तो सिनेमा के सीन के साथ, सिनेमा के करेक्टर के साथ, सिनेमा के सिचुएशन के साथ, सीन के ओकर बैकग्राउंड का रही, ओकर कपड़ा का रही, वो भी तय होते, लेकिन होते डीप स्टडी नहीं करे आजकल। मैं बोला था ना बहुत डीपली स्टडी करके काम करने वाला हूँ यहाँ, सतीश जैन, प्रेमचंद्राकर, मनोज वर्मा, उंगली में गिने जाने, उत्तम तिवारी, 4-5-7 डायरेक्टर अभी जाके हुए 20 साल के बाद। सतीश जी तो अपवाद है, सतीश जी तो आप कह सकते हो कि लीजेंड है, सतीश जी तो बहुत 2-3 साल में कावर बनाते हो, स्टडी करते हो घूम घूम के, खाली रही खाली नहीं रहे होगा पूरा टाइम, होकर दिमाग में ही चल रहे थे अगला प्रोजेक्ट नहीं, वो तरीका भी वही है ना। और अगर वो लगी सतीश जी ने कि ये ला यार मुझे धोती पहनाना चाहिए, तो दुनिया कोई ताकत तो धोती पहना नहीं रोक सके ना, वो मीडिया पर वाह कर ना आलोचना। तो ये सिनेमा में मैं वही कहा था ना, मूल स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आप पढ़िया लिखो, स्क्रिप्ट के ऊपर स्टडी करो, और पूरा एक एक सीन स्टडी करके रिसर्च करके होगा ड्रेस करेक्टर, तो जब वो पर्दा में आए तो उमा कोई ये सवाल नहीं करेगी कि आप ये करेक्टर जीन्स का और पहना है, ये धोती का और पहना है, तो वो एक छत्तीसगढ़ी सिनेमा की प्रोफाइल दिखी मतलब। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग गवारी नहीं होते हैं वही, मतलब मैं थोड़ा सा वही बात। और दूसरा क्या है कि एक 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 बड़े वर्ग जो नवा बनाते छत्तीसगढ़ी में भी दो टाइप के छत्तीसगढ़ी भी है, एक यूनिवर्सल छत्तीसगढ़ी जिन्हें हम आम बोल चाल की भाषा में सिनेमा में यूज करते हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक ऐसे मेकर मन आते जिमन छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला डायलॉग ला उकर रहन सहन ला प्रोफाइल ला उकर जो वेशभूषा है तेला गमारू बना के प्रस्तुत करते, तो जब गमारू रूप में वो बन के पर्दा में आते ना तो गांव वाला मन भी देखते आ रहे यार इसने तो हमने पहना नहीं, यार इसने नहीं बोला, बस बस वही बात ये फील करते दर्शक, और दर्शक के फीलिंग डायरेक्टर को पता नहीं चले भी है, कहां पता चले, वो दर्शक फील करते मन मन फील करते, मन मन अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा, रिजेक्ट कर देते हो, अच्छा है तो अप्रिशिएट, दर्शक की खासियत वो तो बाहर से जो देखते हैं वही वाला सही एग्जामिन कर सकते हैं भाई, दर्शक अपन भावना ला एग्जामिन करके शब्द में नहीं दे सके लेकिन सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते, बंडल है पिक्चर में फालतू है मत देख दे, चार दिन लोग ऐसे है। अच्छा एक टन बात मुझे पता लगी से आपके कुछ बता तो आप मतलब शायद मुझे भी चुपचाप से पता लगी से। भाई साहब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख ले और पता नहीं कहाँ कहाँ खोजा थे बताओ भाई आप। दरअसल 3 साल पहले मुझे पिक्चर शुरू हो रही से 6 लाख भारी। अच्छा वो पिक्चर जो है वो एक बिल्डर अजय वर्मा जी बनाते हैं,
मुहूर्त वहूर्त हुई स्क्रिप्ट रेडी हुई लोकेशन हंटिंग हुई कास्टिंग वास्टिंग हो गई से मैं लीड और डायरेक्टर खुद स्वतः मोला मतलब ऑफर कर दी से प्रोजेक्ट का चल के आ रही से तो हमारा डायरेक्शन शुरू लीड तो वो सब स्क्रिप्ट आप ही तो वो तीन साल पहले शुरू हुई सब कुछ कारणवश मोर सगवारी वाला इंडस्ट्री साथी में मतलब पसंद नहीं है इसकी मनमोहन डायरेक्शन करे सोलो लीड आया इसी इसे कौन कौन रहे नहीं नाम नहीं बताऊं जान तो अब नाम बता दूं बवाल हो गया बहुत जन तापड़ तोड़ बवाल तो होना चाहिए जैसी जैसी पता चली इसकी मनमोहन को ऐसा निर्माता मिल गया है यार जो उसको सोलो हिट लीड ले रहा है हीरो में और डायरेक्शन में सारा विलन में तो आग लगा के बैठा है 20 साल से सोलो लीड और डायरेक्शन में आ जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे करे तो पूरा जितका इंडस्ट्री के साहब नेवला बिच्छू अजगर पिटपिटी ढोड़िया अतिक अकल मने सब रीस ना सब मन टूट पड़े इस प्रोडक्शन हाउस में एक के बाद एक कोई कहा थे कि 1 रुपया दे दो पिक्चर में मनमोहन ला निकाल दे फिल्म काम करो नौ बात बता दे बाप एकदम नौ बात मतलब ते मनमोहन ला हीरो ये पिक्चर से निकाल मैं 1 रुपये में काम करूं फिर तुम्हारे एक साथी कलाकार के लिए से अच्छा बहुत एक से एक घटना एक जन तो ऐसे आदमी मोर बाहर निकला दिस जेन मतलब जेन लमे वही पिक्चर में मतलब कैमरामैन पोस्ट प्रोडक्शन के 3 लाख के काम दे अच्छा वही अपना सेट वेट करके प्रोड्यूसर को तो वो पिक्चर बंद हो गई से पिक्चर बंद होने के बाद जब लॉकडाउन लगी तो हम रीराइट करे हम स्क्रिप्ट का सुधार कार्य करे क्योंकि टाइटल तो मोर रिव्यू कर रही से दूसरा टाइटल से पहली बार प्रेस हुआ तो रीराइट करे हम पूरा सुधार कार्य करे हां वही छैला की धारी जो है अभी रेडी है और मार्केट में चला थे 2-3 फाइनेंसर के हाथ में है अभी वो पड़ा था तो कास्टिंग वास्टिंग हो गई कास्टिंग सोलो लीड डायरेक्शन तो मोर रही सपोर्ट में 6-7 कलाकार हो वहां और सत्ता हो गए सत्ता हो गए यहां पूरा दिमाग में है पूरा और बोला आप ये मान के चलो कि 2021 के ब्लॉकबस्टर मैं भी ऑन कैमरा बोला था ऐसे 20 साल के मोर पूरा जीवन के एक्सपीरियंस से उड़ेल हूं और वो स्क्रिप्ट जो लिखे हैं एक आध दिन समय मिले मैं आपने एक सीन पढ़ पाऊं वो स्क्रिप्ट ले जब आदमी पढ़ते ना तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है आदमी अपन जैसे सामान्य पढ़ते ना तो स्क्रिप्ट पढ़ा पढ़ा अपना विजन पावर वाला स्क्रिप्ट है और जब पढ़ते तो विजुअल दिखते हैं इमेजिन हो इमेजिन होते हो उसके दिमाग में ऐसा है ऐसा है तो वो अनुभव कार्ड गिफ्टेड है मतलब पढ़े के बाद जो इमेजिन कर ले इमेजिन वही स्क्रिप्ट सही नहीं वो ऐसे लिखा है कि पढ़ते पढ़ते तो नहीं इमेजिन होना चालू हो जाए इतना सॉलिड और इतना शानदार तरीके से वहाँ पूरा एक एक सीन और सब चीज ला भावना ओला क्लियर करे हमें पूरा करेक्टर की एंट्री होकर सोचना होकर रेंगना होकर बोलना होकर एटीट्यूड और सब चीज ला पूरा डिफाइन करे हमें तो स्क्रीन प्ले में पूरा है टेक्निकली तो आदमी जब पढ़ते तो विजुअल दिखते हो विजन पावर बोलते हैं इसमें स्क्रिप्ट सिर्फ सतीश जी लिखते हैं और दूसरा और भाई नहीं नहीं बिल्कुल आप बता दो तो आगे तो जाके देखना भी तो भगवान चाहे तो ऐसा शुरू हो जाए पिक्चर है और 2021 तक आ जाए ही मैं पूरा शिद्दत के साथ भिड़े हूँ पूरा ताकत से पहला आपके फिल्म हो ऐसे डायरेक्टर पहला कोई 20 साल के बाद अब आना है 20 साल हो गया अब कतेक लोग वेट कर 20 साल हो गए अब नहीं हूँ अब नहीं आऊँ तो कभी नहीं आऊँ अच्छा हरजन पगली पिछले साल जो रिलीज हो रही सतीश जी के ओकर से वो इंस्पायर बन गए कारण कि वो पिक्चर अच्छा रही है पिक्चर इसे अच्छा कारोबार कर रही है बढ़िया अच्छा शानदार सक्सेसफुल बिजनेस कर रही है ना तो वो मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि अब बेटा मनमोहन अब ते अपन अनुभव का लाभ उठा नहीं निश्चित रूप से अनुभवी आदमी है सही काम कर सकते हैं ये मतलब हर आदमी ये चीज ला समझते है ना तो और कुछ खुलासा करो बोलो ना भैया आप जो बोला आपके जवाब मिल गया आपका बिल्कुल बिंदास है जो कुछ भी एक और जैसे ग्रुपिज्म की बात करें वहाँ तो यहाँ भी कुछ ऐसे है का कि फलाना हीरो है तो वो अपन हिसाब से एक ग्रुप बने हुए हैं अच्छा एक पहले मैं एक चीज़ और पूछूंगा आप कि सतीश जैन के साथ शायद आपके एक ही फिल्म आए नहीं तीन पिक्चर तीन पिक्चर आए लेकिन ऊपर वाला तीनों ब्लॉकबस्टर है सिल्वर जुबली अच्छा अच्छा तो सतीश जैन जो है एक अच्छा डायरेक्टर है और वो आगे ऊपर साथ कुछ फिल्म वगैरह आए के अभी तक तो नहीं है हम लास्ट पिक्चर सतीश जी के साथ मैया रही थी
जो 2009 में आई रही है, वही बोला 10 साल पुराना, काफी लंबा जो 10 पिक्चर के बाद वो पीछे कोई कारण तो नहीं नहीं रीजन रीजन ये हो सकते कि माया पिक्चर के टाइम में थोड़ा सा खटपट और हमारे बीच के जो यूनिट के आर्गुमेंट बीच से हम मोर हो सकती है बीच में थोड़ा सा मतभेद पैदा करे के कटुता पैदा करे कोशिश करे इसे तो हो सकते कि बाकी सतीश जी ऐसे नहीं है। हाँ मतलब माया पिक्चर लास्ट फिर 2009 में ओकर बाद वो करण खान के साथ पिक्चर बनाने से पहले की बिल्कुल वो अभी तक ओकर बाद वो पिक्चर 100 दिन चली धमतरी भोजपुरी की तरफ टर्न हो गई। भोजपुरी में 6 पिक्चर बने, 6 में 5 सुपर हिट बने, 6 साल तो है रही से। अभी आके हसन पगली बने इस पे यहाँ ब्लॉकबस्टर हुए से, 21 में 12 साल से भी अलग हो सतीश जी से, मतलब अलग यानी सतीश जी के पिक्चर से अलग, पिक्चर से अलग, पिक्चर में भी याद नहीं करे 12 साल से कभी याद मोड़ा भी तो आसार नहीं दिखेगी सतीश जी मोड़ फिर से कभी मतलब यानी अपन टीम में लिए ऐसे करके मतलब मोर रोल ला कोई नवा लड़का करते गिरधारी पांडे का रोल, और मैं खुश हूँ, मैं वेट भी करा था की मोर जो कालजयी रोल है जो गिरधारी है गिरधारी तेला नवा कलाकार कितना बढ़िया करी है कितना खराब करी थे कर वेट कर रहा हूँ नहीं जरूर आपको पिक्चर दवाई तो हम तो कोशिश ये भी कर रहे कि कब शूटिंग में बुलाओ तो हम आओ जरूर आओ। सतीश जी मोर गॉडफादर मोर भगवान है मोर, मैं निश्चित रूप से सतीश जी के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो हम छत्तीसगढ़ी फिल्म में अच्छा फिल्म दे के यदि कोई ना श्रेय है तो ही रहेगी, मतलब अभी जो नया युग है ओकर पहली तो शायद पुराना वन भी नहीं है ओकर उसका मोला नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी जो मैं फिल्म मतलब देखे हूँ वो मैं सतीश जी है एक सक्सेसफुल डायरेक्टर के रूप में ही सामने दिखे है ना, लेकिन खैर वो तो अब फिल्म में सब चीज तो चलते रहते हैं जैसे बॉलीवुड और छालीवुड है। नहीं मैं फिर बोलूँ ना कि आपका सिनेमा के मेकिंग में सबसे पहले कंटेंट समझना पड़ेगा आपका, आप लोग न्यूज़ बनाते हो आप मन तब वो तो अपन कंटेंट तय करते हो ना कि ये कंटेंट में रही न्यूज़, कंटेंट अच्छे रहते न्यूज़ भी होती हिट होती, तो कंटेंट के साथ ना स्क्रिप्ट के सीन के करेक्टर के सेंस ला समझना जरूरी है, सेंस लेस कुछ भी चीज आप रख दो ना तो पब्लिक रिफ्यूज कर देती है, हालांकि सिनेमा में कोई सेंस या लॉजिक काम नहीं करे, कुछ भी लॉजिक काम नहीं करा ना, एक हीरो 20 मंजिल से कूद देते बच जाते, एक हीरो 40 जना मार देते पलटा देते बॉडी बिल्डर गेंडा टाइप का आदमी दिखा देते थे मन धूल चाट देते, तो लॉजिक कुछ भी काम नहीं करे सिनेमा में, लेकिन अनलॉजिक चीज के साथ भी अपना सेंसफुल चीज सिनेमा में देना है और दर्शक ला विश्वास कराना है कि ये चीज सही है। सिनेमा चमत्कार है कृपा के, तो सिनेमा में जो है ना सीधा सीधा सिनेमा में अगर बोलो ना भैया तो सिनेमा में वही डायरेक्टर सक्सेसफुल होते जिन बाटल के अंदर दारू नहीं बदले लेवल बदलते। अब आप समझ जा रहे मनमोहन देसाई पूरा जिंदगी वही करे, प्रकाश मेहरा पूरा जिंदगी वही करे, जितना सक्सेसफुल डायरेक्टर है ना तेमन ना दारू नहीं बदले बाटल के अंदर लेवल बदले, समझ जाओ इशारा कौन तरफ है, बहुत ऊंचा बात बोले पब्लिक ने समझना चाहिए भाई। तो अब खत्म करन जी, तो हमार दर्शक मतलब बता दूं मनमोहन जी जो है काफी लंबा एक करियर हो गए हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, वो पता नहीं कहाँ कहाँ किरदार निभा चुके हैं। आज तो बैठ गई थी मोर साथ फिर एक आध दिन बैठा रोल लिया इसने बुला के, अब चर्चा करवो तो फिर गिरधारी की चर्चा करेंगे गिरधारी पांडे के बारे में है ना। तो सबो दर्शक मतलब डीएनएक्स टीवी की तरफ से नमस्कार, आओ पुराना बात चैनल ला देखत रहो सब्सक्राइब करो और घंटा ला बजा दो ताकि आप मतलब पता लग सके कि कौन कौन हमन पकड़ पकड़ के लात मनमोहन भाई जी से है ना, इंटरव्यू पर आप मतलब दिखाए के लिए सही बात सीधा बात करे के लिए। तो नमस्कार नमस्कार और डीएनएक्स ला देखत रहो और घंटी चपको चपक के सब्सक्राइब करो है ना, बहुत देहाती स्टाइल भी नहीं बोला मैं
आप जानते हो हमारे छत्तीसगढ़िया मन कहाँ कहाँ भी है, अमेरिका फॉरेन वारेन में मैक्सिमम छत्तीसगढ़िया मन है। तो मैं तो छत्तीसगढ़ी तुम्हारे आत्मा में है भाई, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ अपन आपसे। मतलब कोई बोलते हैं ये धुर्रा मिट्टी में लदाए फदाए होंगे हैं, और यही पाए गए तो छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू के बाद है हम दोनों के मुंह से एक साथ निकले। मोला प्राउड होते भाई, मोला कहीं आल माल और मंत्रालय और हाई फाई टूरी टंकी कहीं कोई मन के बीच में जाकर ठेठ छत्तीसगढ़ी में ठाए ठाए देता हूँ, बड़ा आनंद आते मोला लाल शर्म नहीं लगे। तुम मन बोले करो डीएनएक्स टीवी देखा रहो, सबका छत्तीसगढ़िया मन ही यहाँ भैया है, शर्मा भैया है, आशीष सिंह स्वर्गीय हरि सिंह ठाकुर जी के बेटा है, और प्रफुल्ल भैया है, शुक्ला जी है, सब छत्तीसगढ़िया के हरे चैनल है, देखा रहो चपको सब्सक्राइब करो, और मोला यानी मनमोहन सिंह ठाकुर यानी आपकी गिरधारी बनवारी लदो विदा, फिर अगली बार आपसे मुलाकात होगी शायद चैनल में, तब तक देखा रहो डीएनएक्स टीवी पढ़ा रहो दैनंदिनी पेपर। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, शुभ रात्रि, गुड नाइट।